You're a superhero. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी ब्यूटीफुल और अमेजिंग 3D फोटो कैसे क्रिएट की जाती है। वैसे तो आपने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने भी आपको इतनी डिटेल में नहीं बताया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप पर आपने क्या काम करना है और कौन से स्टेप पर क्या काम नहीं करना, और ऐसी कौन सी वेबसाइट या एप्लीकेशन जिस पर ऐसी 3D फोटो क्रिएट की जा सकती है। और अगर आप भी ऐसी 3D फोटो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले मेम्बर से गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल SZ टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल SZ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि ऐसी अमेजिंग और क्रिएटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि हमें इस फोटो को क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जिस एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत है हम लोगों ने उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं बिंग। बिंग नाम की एप्लीकेशन है जिसको हम लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, जिस पे हम लोग 3D फोटो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये बिंग की एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जैसे ही बिंग की एप्लीकेशन ओपन होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इमेज क्रिएटर का, तो हम लोगों ने क्या करना है इमेज क्रिएटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग इमेज क्रिएटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। तो प्रॉम्प्ट को मैंने पहले से ही कॉपी किया हुआ था और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और हाँ, इसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, यूज़र नेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ज़फ़र। आप इसकी जगह पर, ज़फ़र की जगह पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं इमेज को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज जो है ना अभी क्रिएट हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इमेज क्रिएट होकर आ चुकी है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। और हाँ, अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको ये वाली इमेज जो है ना ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, आप इसको जो है ना डिसलाइक कर लें, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको एक दफ़ा फिर से क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास कुछ इस तरह की फ़ोटो फिर से क्रिएट होकर आ गई है। अगर आप इसको जितनी दफ़ा आप मर्जी चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं, हर बार ये आपको एक नई पिक्चर, एक नई लुक दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करते हैं अपनी फ़ोटो को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिस फ़ोटो को हम लोगों ने डाउनलोड करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही हम लोगों ने फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से फोटो जो है ना ओपन होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिया हुआ था, हम लोगों ने क्या करना है 3 डॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अपनी पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल बटन के ऊपर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।